शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो चने की दाल 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। ये नरम हो गई तो फिर इसको शामिल करेंगे। 1 किलो ही मैंने बीफ लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहते हैं तो इसको 1.5 किलो कर लीजिएगा। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 कप लहसुन और 1 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, नमक हसबे जायका और हल्दी 1/4 चम्मच। ये सब कुछ हम लोग तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे, दाल और गोश्त डाल के। खड़े गर्म मसाले में मैंने लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े बड़े, 3 से 4 अदद लौंग, तेज़पत्ता, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा बड़ा खाने का चम्मच, 1 छोटा खाने का चम्मच सूखा धनिया, मोटी इलायची 2 और 4 से 5 अदद साबित काली मिर्च। ये हम अपना गर्म मसाला भी मिला देंगे। इसको हम पकना रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये कम से कम भी आपके 2 घंटे लेगा क्योंकि इसको बिल्कुल मसाले को यकजान करना है आपने, दाल को अच्छी तरह से गला लेना है और गोश्त को भी। ये हमने पकना रख दिया है और बीच में हम चम्मच हिला के देख लेंगे। अभी इसमें काफ़ी पानी है, इसको और पकने देते हैं। इस स्टेप में मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया और एक इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है पुदीना। वो मैं आगे आपको बताती हूँ, पीस के डालेंगे हम। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी सूख रहा है और ये थिक हो रहा है, इसको हमें बिल्कुल खुश्क कर देना, नहीं तो आपके कबाब बड़े ऐसे नरम बनेंगे, वो टूट जाएंगे। इसको ये पानी जितना खुश्क होगा आपके कबाब उतने ही स्मूथ और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। बिल्कुल खुश्क हो गया पानी और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, मशीन मैंने अपनी सेट कर लिया और इस अमेजे को ठंडा होने के बाद मैं मशीन में से निकाल लूँगी। इस पॉइंट में इसमें जाएगा 1 कटी धनिया और 1 कटी पुदीना और 4 से 5 अदद अच्छे साइज़ की तीखी वाली मिर्च, सब्ज मिर्च। कीमे को मैं निकाल रही हूँ अमेजे को मशीन में से और इसमें मैंने बिल्कुल लास्ट में धनिया, सब्ज मिर्च और पुदीना भी मशीन में से ही निकाल लिया। इस पॉइंट में मैं इसमें 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च का डालूंगी और ये हमारा अमेजा अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गया है। अब हम इसको कबाबों की शेप दे लेते हैं। पुदीने से ये कबाब बहुत ही यमी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी लोग डालते हैं लेकिन सब लोग नहीं डालते। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरे शामी कबाबों का। मैंने शेप दे लिया है, इसको मैं अंडे में डिप करके फ्राई करने लगी हूँ और ये गए हमारे कबाब। ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर है, स्पेशली पुदीने की वजह से। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच। Thank you.